बड़ा भाई सबको मालूम होना मैं सबको मालूम होना मैं टाइम पे जाते कि भाई सलाम करना सबको मेरे को अपना खुद का ब्रांड बनाने का है मेहनत करना पड़ता दिल लगा के पढ़ना पड़ता अच्छे से पढ़िए माँ बाप का नाम रोशन करिए तो इंशाल्लाह आपको हर कोई पहचानेंगे पूरे वर्ल्ड में हो जाएगा आपका नाम इंशाल्लाह ताला अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है मोहम्मद अदनान इनका एक यूट्यूब चैनल भी बनने वाला है जिसका नाम रहेगा पप्पा की हलीम और इनका एक इंस्टाग्राम आईडी भी है उसका नाम है पप्पा की हलीम मम्मी का क्या है फिर मैं झुके गए साला जब से झुके बैठे हुए थे यार वहाँ भाई बोल के झुका अच्छा हेलो गाइस ये हमारे पप्पा की हलीम है चिकन हलीम अल्हम्दुलिल्लाह हलीम ये हलीम है ये घी है ये डब्बे डवालिया है ये शेरवा है पुदीना है कोतमीर है लिम्बू है प्याज है प्यारा देखिए गाइस कितना प्यारा डेकोरेशन है गाइस और डेकोरेशन भी है लाइटा भी लगे हुए नूर भाई बोलते मेरे को जासूस ना घुसते हैं सब्बल घुसा तू अच्छी बात है बेटे फिर मैं क्या घुसा तू जरा मेरी बीवी को थोड़ी समझ दे दे और मेरे साले को 5% समझ दे दे और मैं भी कोरोना की तरफ से काफी नुकसान हो गया कारोबारों की तरफ से तकरीबन हमारे साहिबजादे जो भी है चिता भी परेशान है तो उल्ला उनके ऊपर ले लेते थे जैसा कि मैं परेशान हूँ तो उन्होंने अपने ऊपर ले गए तकरीबन मेरे को डेली हर दो दिन में एक बार पापा परेशान न करो आप अस्सलामुअलैकुम जो कल से आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं माशाल्लाह से कि एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ जिसमें एक मासूम बच्चा अपने वालिद के बिजनेस को प्रमोट कर रहा है जिसमें उसकी दर्द भरी आवाज़ और जो अंदाज था माशाल्लाह से वो मेरे को यहाँ तक खींच के लाया आज क्योंकि ये हमारा काम है हमारा फ़र्ज़ है कि अप्रिशिएट करना और हौसला अफजाई करना हम सबका काम है तो आज हम लोग आए हुए हैं मोती नगर में जहां पर इनका घर है और मेरे साथ है मोहम्मद अदनान सलाम करिए सबको सलाम बोलिए कैसा व्लॉग के बारे में बोलिए भाई आपका बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो वायरल करने को अच्छा बोलो यार मोहम्मद अदनान अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है मोहम्मद अदनान अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है मोहम्मद अदनान आपका YouTube चैनल भी है नहीं Instagram क्या Instagram. नाम से बनाने वाले बोलो YouTube चैनल क्या नाम से बनाने वाले पप्पा की हलीम इनका एक YouTube चैनल भी बनने वाला है जिसका नाम रहेगा पप्पा की हलीम और इनका एक Instagram आईडी भी है उसका नाम है पप्पा की हलीम मम्मी का क्या है फिर पूरा पप्पा का है यार मम्मी के मसाले पप्पा की हलीम तो यही वो लड़का है जो है रातों रात दिनों दिन की एक क्लिप वायरल हुई माशाल्लाह से जो वालिद साहब का एक हलीम की दुकान है अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हलीम कल वीडियो जो बनाए थे एक बार कैसा बनाए वो अंदाज में एक बार बोलिए हेलो गाइस ये हमारे पप्पा की हलीम है चिकन हलीम अल्हम्दुलिल्लाह हलीम ये हलीम है ये घी है ये डब्बे डवालिया है ये शेरवा है पुदीना है कोतमीर है लिम्बू है मोती नगर चौरस्ता बोरावंडा और अगर ऑर्डर देना रहा तो नंबर भी डाल सकते हैं नंबर मालूम है पापा का अगर मोती नगर पे चौरस्ते पे ये हलीम की बेहतरीन दुकान है और पार्टी ऑर्डर्स भी लेते हैं और बड़े बड़े खाने के ऑर्डर्स भी लेते हैं इनके वालिद साहब भी मेरे साथ हैं इलियास साहब अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं साहब जी
माशाल्लाह आपके फर्जन जो वीडियो डाले हैं उसमें जो दर्द दिखा एक औलाद का वालिद के लिए माशाल्लाह, तो ये जो है एक किस्मत वालों को ऐसी औलाद भी मिलती, ऐसे माँ बाप भी मिलते माशाल्लाह से। जो वीडियो देखने के बाद मेरे को रहा नहीं गया, अंदर से एक दर्द मेरे को बाहर निकल के आया। तो मैं दिमाग में एक ही बात कल से चल रही थी कि बेटा हो तो हमारे अदनान जैसा और वालिद हो तो आपके जैसा, इलिया साहब के साथ। तो इलिया साहब आप इस बारे में थोड़ा बताइए, आपका जो बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग आपके बच्चे का जो वीडियो वायरल हुआ अदनान का उसको कई लोग अप्रिशिएट करें और कई लोग अपने अपने इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े लोग भी उसको शेयर करें, फेसबुक पर भी शेयर करें, बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला। और हम आज आने की वजह भी है कि हम भी इसमें कुछ योगदान करें, आपको थोड़ा हमारे तरफ से हम लोग भी हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है इंकरेज करने के लिए अदनान को। तो आप इस बारे में जो भी आप पब्लिक से बोलना चाहे बिल्कुल बोल सकते हैं। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कोरोना की तरफ से काफ़ी नुकसान हो गया कारोबारों की तरफ से, तकरीबन हमारे साहिबजादे जो भी है जितना भी परेशान है तो उल्ला उनके ऊपर ले लेते थे, जैसा कि मैं परेशान हूँ तो उन्होंने अपने ऊपर ले गए। तकरीबन मेरे को डेली हर दो दिन में एक बार पापा परेशान न करो आप बोल के सर चढ़ दबाना, आप टेंशन नहीं लेना। काफ़ी मेरा कारोबार नुकसान हो गया, माधवपुर में पर दुकान होटल चाय का था वो भी पूरा लाश हो गया कोरोना की तरफ से, रेंट नहीं निकल सका उसका। अब मैं जब से एक 6 महीने में तकरीबन इधर से उधर उधर से इधर, अब यहाँ भी लगा, अब ये रमज़ान में भी मैं 2 जगह लगाया था फिर निकाल के इधर शिफ्ट करा मोतीनगर में, यहाँ भी कारोबार नहीं चलने से उन्होंने बैठे बैठे उन्होंने वीडियो निकाल के उनकी तरफ से उन्होंने डाले हमारे साहब जैसे, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग आए, आप लोग पूछ रहे हैं शुक्रिया आप लोगों का, और इंशाल्लाह आप लोग आइए हलीम कारोबार पे मेरे ज़रा आगे थोड़ा गिराक कीजिए। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए आप इलिया साहब की कहानी है ये, तो इसमें एक चीज़ हमारे एक मैसेज ये मिलता है कि जैसा कि हमेशा हम लोग ये सुनते हुए आए हैं कि अल्लाह कब कौन से जरिए से नवाज देता है कोई नहीं बोल सकते, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मिसाल है इलियास साहब की जो औलाद अदनान है उनको अल्लाह ताला जरिया बनाया अपने वालिद के जो है कामयाबी के लिए या उनके रोज़गार के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि आपका रोज़गार बहुत सारा जो है हो, हमारे तरफ से हम जितना कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला जितना हो सका हम कोशिश करेंगे हमारे जितने। सुभान साहब बोल के फोन आ रहा उनका रिपोर्टर साहब, बिल्कुल हमारे बड़े भाई है वो। जी जी सुभान साहब बोल के उन्होंने भी बेचारे काफ़ी मेहनत करके जस्टू कर रहे हैं, इंशाल्लाह 2-3 दिन में ग्राहक बढ़ाएंगे आप कुछ अच्छा करेंगे आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुभान साहब का शुक्रिया बहुत बहुत, और हमारे नूर साहब का शुक्रिया, और हमारे शहबाज भाई, और हमारे भाइयों का भाई आतिफ साहब। जी जी तो मैं चाहूँगा कि आप खुद ही डिटेल बोलिए कि आप जो है पकवान और भी करते हैं या सिर्फ हलीम का है या दूसरा बिजनेस है, आपके कांटेक्ट कैसा करें कि आपको ऑर्डर देने के लिए, आप थोड़ा सा डिटेल कैमरे में देख के बोल दीजिए। जी मेरा घर प्रभात नगर में है, मेरा नंबर बोरावंडा प्रभात नगर, मेरा मोबाइल नंबर है 9995702663, ये नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई से भी दावत रहने दीजिए आप, कोई सा भी पकवान रहने दीजिए, हर तरीके का कंटेंट करके दे सकते हैं आपको। बिल्कुल, तो जैसा कि इलिया साहब ने कहा तो मैं भी आज पार्सल लेके जाने वाला हूँ इंशाल्लाह इलिया साहब के पास से, और मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि बोरा बंडा मोती नगर चौरस्ते पे इलिया साहब की और हमारे अदनान छोटू अदनान के इनके वाले साहब इलिया साहब की यहाँ पर हलीम की एक दुकान है, तो आप लोग आइए इनके पास से हलीम खरीदिए, और अगर आप कोई भी फंक्शंस में दावतों में ऑर्डर देना चाहते हैं पकवान का तो बिल्कुल हमारे इलिया साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ सारे नीचे कांटेक्ट डिटेल हैं। और एक सबसे मेन बात मैं एक यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक सीख हम सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन सीख ये है कि इतनी परेशानियों के बावजूद इतने सब होने के बावजूद भी अदनान अपने वालिद का हौसला बढ़ाए, और इनके वालिद साहब की खुददारी को मैं दिल से सलाम करता हूँ कि कभी इतने वीडियोस बना के डालते छोटे छोटे के हमारे पापा की हलीम है चाय की दुकान है जो भी है, लेकिन कभी ये लोगों ने अरे भाई हमारी मदद करिए हमारे को ऐसा सपोर्ट कर दीजिए पैसे ला के दे दीजिए हमारे पैसों से मदद करिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये आज तक ये लोग नहीं बोले। तो ये बहुत बड़ा जो है एक सबक है कि मतलब इंसान अपनी मेहनत करके अपने मेहनत को अपने कारोबार को आप प्रमोट करिए, लोगों से प्रमोट करवाइए या उनको बोलिए, लेकिन किसी के पास हाथ नहीं फैलाए अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुददारी को आपके सलाम है सर। और माशाल्लाह आपको तो बेटे अल्लाह इसका अजर देगा, और हमारी दुआ आपके साथ है
कि अल्लाह आपको हर कदम पे कामयाब करे, आपके वालिद को, आपके सभी घर वालों को अल्लाह हर कदम पे कामयाब करे। और आपको मैं एक स्पेशल एक छोटी सी नसीहत भी ये करना चाहूँगा कि आप जो है, जैसा कि आप अपने वालिद का हौसला बढ़ाते हैं कि बेड़ी परेशान न को, कैसा बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, रेडी परेशान है ना पापा, क्या बोलते हैं, पापा परेशान नको, टेंशन की नको करो, टेंशन। तो ऐसा हौसला अफजाई करते हैं। तो मैं एक छोटी बात आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप ये तो बना रहे वीडियोस, ये छोटे मोटे वीडियोस टाइम पास के लिए या फिर अपने पापा को प्रमोट करने के लिए, अपने वालिद के लिए आप बनाए, ये भी बनाइए, लेकिन मेन मोटिव आपका ये रहना चाहिए कि आप पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बनना, मेन फोकस आपका पढ़ाई पे रहना। ये वीडियोस तो बनाइए टाइम पास, मतलब आपको जब भी टाइम मिला जब वीडियो बनाइए, लेकिन मेन मोटिव है आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लिखना है। जैसा कि आप अभी अपने वालिद को बोल रहे कि परेशान मत हो, तो वो परेशानी दूर करने के लिए इंशाल्लाह आपको पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी, डॉक्टर, पायलट, IAS ऑफिसर, इंजीनियर, ऐसा बड़ा आदमी बनना है। इंशाल्लाह बनेंगे ना? हाँ। क्या बनेंगे आप? बड़ा भाई। सबको मालूम होना मैं। सबको मालूम होना मैं। टाइम पे जाते कि भाई सलाम करना है। ब्रांड बनना चाहते तो? हाँ। हाँ, बोलो, मेरे को अपना खुद का ब्रांड बनाने का है। बोलो, कैमरे में देख के बोलो। मेरे को अपना खुद का ब्रांड बनाने का है। बोलो, लोगा मेरे को पहचानना, पूरा जोर से एनर्जी में बोलो। मेरे को सब पहचानना, मेरे को मेरा इंस्टाग्राम की पेज पप्पा की हली में, मेरे को फोकस में, मेरे को फॉलो करिए, लाइक करिए। जहाँ से भी गुजरा पूरे लोगा मेरे को सलाम करना, हर लोग मेरे को पहचानना। मैं जहाँ से भी गुजरा मेरे को हर लोग सलाम करना और मेरे को पहचानना भी। बस मेरा यही मकसद है। आपका ड्रीम ये है? हाँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ता? मेहनत करना पड़ता, दिल लगा के पढ़ना पड़ता। अच्छे से पढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, तो इंशाल्लाह आपको हर कोई पहचानेंगे, पूरे वर्ल्ड में हो जाएगा आपका नाम इंशाल्लाह ताला, बहुत आगे बढ़ेंगे आप। हमारी दुआ आपके साथ है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मैं झुके रहा है सारा। कब से झुके बैठे हुए थे यार? वहाँ पाए बोल के झुके। अच्छा, तो ये हमारे अदनान का एक इनका मोटिव है, इनका फ्यूचर में क्या बनना चाह रहे बेटे? प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे। तो आप लोग अदनान के लिए दुआ करिए इंशाल्लाह ताला। और अच्छा पढ़ना पड़ता प्राइम मिनिस्टर के वास्ते। हाँ। बहुत सारी नॉलेज होना पड़ता हर चीज की, एक पावरफुल आदमी होना पड़ता। बनेंगे ना? हाँ। पावरफुल मैन, पावरफुल जगह पे से आते पावरफुल लोग, नहीं? हाँ। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो, ताकि हम आके इनकी हौसला अफजाई कर सके, अप्रिशिएट कर सके। तो थैंक यू सो मच। जरा मेरी बीवी को थोड़ी समझ दे दे और मेरे साले को 5% समझ दे। टमाटर भी मिलता, भिंडी भी मिलता, आलू भी मिलता, फिर मैं क्या घुसा दूं? अच्छा।